नमस्कार दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हम मक्के की रोटी तो बनाते ही हैं, पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मक्के के आटे के आलू वाले परौंठे। यह परौंठे बहुत ही स्वाद बनते हैं। इसमें मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी यह नहीं कहेंगे कि मुझे मक्के की रोटी या मक्के के आटे के आलू वाले परौंठे जो हैं नहीं बनाने आते। देखिए, परौंठे जो हैं बिल्कुल नरम बने हैं। सर्दियों में खिल खिलाती धूप और साथ में ये मक्की के आटे के आलू वाले परौंठे, दही, लस्सी और अचार, खाने का तो स्वाद ही आ जाएगा। बस आप एक बार मेरी यह वीडियो देखिए और मक्की के आटे के आलू वाले परौंठे जो हैं ज़रूर बनाएं। स्वागत है आपका फ्लेवर फ्यूज़न एंड क्रिएशन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्की के आटे के आलू वाले परांठे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लेना है एक चॉपर और उसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज। प्याज को इस तरह जो है कट कर लेना है रफली। अब इसमें हम डालेंगे दो मिर्चें, हरी मिर्च, और साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं और साथ में हरा धनिया। अब इसको हमने चॉप कर लेना है। देखिए, इस तरह से जो है यह चॉप होने चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे चार उबले हुए आलू। अब एक बर्तन लेंगे और उसमें आलू जो है कद्दूकस कर लेंगे। मक्की के आटे के आलू वाले परौंठे बनाने के लिए जो है आलू को कद्दूकस ही करें, हाथ के साथ मैश ना करें। देखिए, इस तरह से जो है हमने सभी आलू जो हैं कद्दूकस कर लेने हैं। अब इसमें हम डालेंगे दो कटोरी मक्की का आटा। मक्की के आटे को पहले छान लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही इसे छान लिया था। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, भुने हुए जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने लाल मिर्च अवॉइड की है। अब थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह हाथ से क्रश कर डालेंगे, मसल कर। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिया का, वह डाल देंगे सारा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना परांठे, तो जो है हर बार यही आप जो है तरीका अपनाएंगे। देखिए, बिना पानी डाले ही हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप देखिए, आलू जो हैं और सभी मसाले जो हैं आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यह तो अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी। पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम सारा पानी ना डालें। देखिए, इस तरह जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें पानी। और यहाँ पर आटा गूंदने के लिए इसके लिए पानी जो है मेरी डेढ़ कटोरी से थोड़ा कम लगा है। एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा और डेढ़ कटोरी से कम। बस इस बात का ध्यान रखना है आपने कि पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मक्की का आटा जो है जितना अच्छा गूंदा जाएगा ना, रोटी जो है टूटेगी नहीं उससे। आटा हमने सख्त गूंदना है, पर गूंद गूंद कर उसको जो है हमने मुलायम कर देना है। तो इसको गूंदने के लिए जो है 5 से 6 मिनट आराम से इसको जो है लग जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे और एक लोई लेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए हमने इस तरह मसलना है। जो हाथ की हथेली होती है उसके साथ जो है ये आटा मसला जाता है मक्के का।
अब देखिए पेड़ा बना लेंगे इसका। ये पेड़ा बन गया है यह, और देखिए कहीं से भी इसमें कॉर्नर्स पे जो है दरार नहीं है, क्योंकि आटा जो है हमने अच्छे से मसला है। अब थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह हाथ में लेके दोनों तरफ, और इस तरह हाथ से हम इसको फैला लेंगे। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हाथ से हम कैसे बनाएंगे। हमने जो दबाव है पहले बीच में और जो कॉर्नर्स हैं उन पर ही हल्का हल्का सा दबाव रखना है। और ये देखिए बिना टूटे बिल्कुल आसान तरीके से जो है यह बन गई है। और इसका मेन कारण यही है कि आटे को हमने जो है अच्छे से मलना है। अब दूसरा तरीका बताऊंगी मैं, इस तरह से ही जो है आपने लेना है, लोई लेनी है आटे की, और एक मिनट के लिए हाथ की जो हथेली है उसके साथ हम इसको मस लेंगे और पेड़ा बनाएंगे इसका, और हाथ से जो है थोड़ा फैला लेंगे। ऐसा हाथ जो है थोड़ा सा गीला करेंगे और दोनों तरफ जो है पानी लगाएंगे। अब पॉलिथीन लेंगे और इस पर हम लगाएंगे तेल, घी ना लगाएं। पेड़े को तेल लगे पॉलिथीन के ऊपर रखेंगे और इसको हम कवर करेंगे पॉलिथीन के से ही। आप इस तरह हाथ से भी इस तरह प्रेस करके जो है इसको बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर प्लेट का यूज़ कर रही हूँ। आप चकले का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे तरफ से हाथ से प्रेस करें ताकि जो किनारे हैं वह मोटे ना रहें। पराठा जो है ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए यह। और देखिए अगर जो है कॉर्नर स्पेस से अगर कहीं से मोटा लग रहा है तो हाथ के साथ हम प्रेस कर सकते हैं। देखिए बनके तैयार है, बिल्कुल आसान तरीके से यह ना तो टूटा है और यह कम समय में जो है बन जाता है। ना बेलने का झंझट, ना हाथों से इसको फैलाने का झंझट कोई। अब तवे को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। पहले घी इस करके लगा रहे हैं ताकि रोटी जो है चिपके ना। और परांठे को हमने जो है 1.5 से 2 मिनट के लिए एक तरफ से सेकेंगे, और गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखें। अब इसको हम पलट लेंगे और आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज हुआ है कि नहीं। अब इसको हम पलट लेंगे और देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी जो है दोनों तरफ ही लगाना है और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखें। और इसको परांठे को जो है हमने पलट पलट कर जो है अच्छे से सेक लेना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि परांठा जो है मोटा ना बनाएं, अगर मोटा बनाएंगे तो वह अंदर से कच्चा रहेगा, तो मीडियम ही रखें। देखिए इस तरह पलट पलट कर जो है हमने इसको सेकना है। और देखिए परांठा जो है बनकर तैयार है, वो भी कम मेहनत में से ही। आप अपने परिवार को जो है खुश कर सकते हैं हेल्दी खाना यह बनाकर। और देखिए दूसरा परांठा भी इसी तरह हमने जो है सेक लेना है। और ये परांठे बनके बहुत ही स्वाद लगते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें यह रेसिपी। देखिए दूसरा परांठा भी बनके तैयार है। अब यहाँ पर सभी परांठे जो हैं बन गए हैं। अब इनको मैं सर्व कर रही हूँ दही के साथ और लस्सी, और साथ में गलगल का अचार।
और ये नाश्ता जो है बिल बहुत स्वाद लगता है, हेल्दी भी है यह है। सर्दियों में अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो है इसको शेयर करें। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि आटा जो है हमने अच्छे से मसलना है 6 से 7 मिनट तक, और जिससे रोटी जो है हमारी नहीं टूटेगी। और आलू और मसाले जो है मिक्स करते समय, आटे में मिक्स करते समय पानी ना डालें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।